नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। क्या आपको पता है पेट में बच्चा कितने दिनों बाद हलचल करता है? घर में शिशु की हलचल महिला की प्रेगनेंसी में आने वाली सभी परेशानियों को भुला देती है, क्योंकि अलमा महिला के लिए सबसे अनमोल होता है। तो आइए जानते हैं कि शिशु घर में कब हलचल करना शुरू करता है। किसी भी महिला के लिए प्रेगनेंसी की खबर ही नए नए अरमान जगा देती है, और माँ बनने की खबर से ही महिला में मातृत्व की भावना आने लगती है। और जिस शिशु के आने की अभी खबर ही मिली होती है, महिला उसके लिए पता नहीं कितनी ख्वाबों को संजोना शुरू कर देती है। प्यारे दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान शिशु घर में धीरे धीरे विकसित होता है। ऐसे में जब तक शिशु घर में होता है तो महिला उसके साथ नए नए अनुभव महसूस करती है, और एक समय ऐसा होता है जब शिशु आपको बताता है कि वो बड़ा हो रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि वह बोलता है, बल्कि वो घर में हलचल करने लगता है, जैसे कि वो लात मारता है, घूमता है, जिसका अनुभव केवल गर्भवती महिला ही कर सकती है। इसलिए तो कहा जाता है कि माँ बच्चे के लिए सबसे अनमोल उपहार होती है, क्योंकि वो हर किसी से 9 महीने ज्यादा अपने शिशु के साथ समय व्यतीत करती है, और प्रेगनेंसी के दौरान आने वाली सभी जटिलताओं को आस्ते आस्ते सहन करती है। पहली बार माँ बनने वाली महिलाओं को इस हलचल का समझने के लिए समय लग सकता है, लेकिन जो महिलाएं दूसरी या तीसरी बार माँ बनने का अनुभव लेती है, उन्हें इसकी भली भांति पहचान हो जाती है। शिशु घर में 4वें या 5वें महीने से हलचल करना शुरू कर देता है। इसके साथ 5वें से 6वें महीने में शिशु के अंगों का विकास भी अच्छे से हो जाता है, और जैसे जैसे शिशु बड़ा होता है तो आप और अच्छे से उसके घर में होने का अनुभव लेती है। माँ बनना किसी भी महिला के लिए इस दुनिया का सबसे खास और अलग अनुभव होता है। तो आइए अब विस्तार से जानते हैं कि शिशु घर में कब हलचल करने लगता है। शिशु घर में कौन कौन सी हरकत करता है, इस पर ध्यान देना अवश्य है। वैसे तो घर में शिशु 16वें सप्ताह से ही हिलना डुलना शुरू कर देता है, लेकिन हो सकता है शुरुआत में आपको इसका एहसास ना हो। खासकर कि जो महिलाएं पहली बार मां बन रही है, उन्हें इसका एहसास थोड़ा लेट हो सकता है। 20वें हफ्ते में आप इसका अच्छे से अनुभव करते हैं। ज्यादा हलचल का अनुभव शाम के समय होता है। उसके बाद जैसे जैसे प्रसव का समय पास आता है तो आप और अच्छे से इसे महसूस कर सकते हैं। शिशु द्वारा घर में की जाने वाली हरकतों का अनुभव आपको होने लगता है। किसी भी गर्भवती महिला के लिए यह उसकी गर्भावस्था का सबसे अनमोल और यादगार लम्हा होता है। प्रेगनेंसी में इस बात का खास ध्यान रखें, जब शिशु मूवमेंट करता है तो आपको उसका अनुभव होता है, लेकिन कभी आपको ऐसा लगे कि शिशु ने पूरा दिन में एक भी मूवमेंट नहीं किया तो आपको अपने डॉक्टर से इसके बारे में राय लेनी चाहिए। इसके अलावा घर में शिशु की मूवमेंट यदि प्रेगनेंसी के 24वें हफ्ते में भी ना महसूस हो तो आपको जल्दी ही अपने डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। शिशु घर में कौन कौन सी हरकत करता है? शिशु घर में शुरुआत में मुड़ना, हिचकी लेना, उबासी लेना आदि शुरू करता है। उसके बाद वो अपनी आंखों को भी घर में घुमा सकता है। बच्चा घर में आपकी बातों को भी सुनता है, अपने जबड़े को खोल सकता है, अपने सिर को घुमा सकता है, और धीरे धीरे जब शिशु बड़ा होता है तो आप उसके हाथों और पैरों द्वारा आप उसकी लातों को महसूस कर सकती है। जैसे जैसे प्रसव का समय पास आता है तब आप शिशु द्वारा की जाने वाली घर में मूवमेंट का ज्यादा अनुभव कर पाते हैं। तो यह है कुछ बातें जिनके आधार पर आपको पता चलता है कि शिशु घर में कब हरकत करने लगता है। इसके अलावा आप अपने अल्ट्रासाउंड के माध्यम से घर में हो रहे शिशु के विकास को भी देख सकते हैं, और यदि आप 5वें महीने के बाद भी कुछ महसूस ना कर पाए तो इसे नजरअंदाज ना करें। जल्दी ही अपने डॉक्टर से राय लें और अपना चेकअप करवाकर सही ढंग से अपने बच्चे की सुरक्षा करें, ताकि कोई समस्या हो तो आप उसका सही समय पर पता लगने पर दवाइयों द्वारा अपने बच्चे को सुरक्षित रख सकें। इसके अलावा आपको प्रेगनेंसी में अपना अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपको और घर में पड़े शिशु को स्वस्थ रहने और शिशु को अच्छे से विकास होने में मदद मिल सके।